हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असाका एजुकेशन। दिस इज स्मितिका और आज हमारे साथ आप ये लेक्चर जो वॉच कर रहे हो वो है कंजंक्शन का। हमने प्रीवियसली बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ एक ही है जो बाकी है अभी, वो है हमारा कंजंक्शन। फर्स्ट जो है हम लोग ने देखा कि कंजंक्शन क्या है, या तो हमने मतलब आपको पता है कि कंजंक्शन क्या है, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर मैनर में पूरा अंडरस्टैंड करेंगे कि कंजंक्शन क्या है। कितने ऐसे कंजंक्शन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो वर्ड्स हम लोग जनरली यूज करते हैं, हर जगह पे यूज करते हैं, और कुछ फैक्ट्स भी पढ़ेंगे जो कंजंक्शन के बारे में आपके लिए सही रहेगा। फैक्ट्स यानी कि हम आपको ये नहीं पता होगा कि कंजंक्शन जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन का ही एक पार्ट है। हम कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन में, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ ना बहुत ज्यादा रिलेट करती है। तो आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज आवर कंजंक्शन। तो चलिए फर्स्ट हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स चलेंगे, टाइप्स के भी एग्जांपल्स लेंगे, सो दैट आपको पूरा प्रॉपरली कंजंक्शन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टाइप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंजंक्शन। कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड फ्रेजेस और क्लॉजेस। कंजंक्शन क्या चीज है? कंजंक्शन यानी दो वर्ड्स को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है। हम जैसे कि मैं और आप, यानी मैं और आप के बीच में कौन सा वर्ड है? और, ठीक है। तो ये ही और है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। अभी ये कंजंक्शन जो है क्या करता है? कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक टाइप का प्रीपोजिशन वर्ड भी है, ठीक है। प्रीपोजिशन यानी हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नाउन का जो स्थान है वो हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। स्थान यानी ये एक टेबल, एक पेन है, ये पेन किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मेरे हाथ में है, ठीक है, नीचे पड़ा हुआ है, ये जो ऊपर नीचे मेरे हाथ में, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स है प्रीपोजिशन है। तो कहीं ना कहीं कंजंक्शन जो है ना प्रीपोजिशन का ही एक पर्टिकुलर एक वर्ड्स है, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा, हम आगे एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है बिकॉज। बिकॉज यानी कारण, ठीक है, रीजन, ठीक है, उसे हम बिकॉज में लेते हैं, क्योंकि, ओके, वेयर एज, ठीक है, बट, बिसाइड्स, अनलाइक, देयरफॉर, प्रोवाइडेड, अनलेस, सिंस, सो, इफ, येट, आफ्टर। ये टोटल कितने एग्जांपल्स मैंने लिए हैं? टोटल हमारे ये जो एग्जांपल्स है वो 13 एग्जांपल्स है, लेकिन मैंने 13 ही क्यों लिए? रीजन ये है कि 13 जो हमारा रोजिंदा रेगुलर वर्ड्स में हम यूज करते हैं, जो हमारा रेगुलर कंजंक्शन है, दैट आर ओनली 13। आप देखो, आपने कभी इसके अलावा कोई और रीजन, मतलब चीजें आपने बोली होगी, या आपने इसके अलावा कोई कंजंक्शन बोला होगा? बहुत रेयरली हम लोग एक वर्ड हम लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज बिकॉज। बिकॉज क्या है? एक एग्जांपल बिकॉज का लेते हैं। रीता डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज सिक। क्यों रीता स्कूल नहीं गए? क्योंकि वो बीमार थी, शी इज सिक, वो बीमार है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई रीता क्या की? स्कूल नहीं गई। सो इसमें क्या आपको पता चल रहा है? दो सेंटेंस, कौन से दो सेंटेंसेस है? रीता डिड नॉट गो टू स्कूल, रीता स्कूल नहीं गई, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है? शी इज सिक। क्यों नहीं गई? उसके पहले ही वो चीज बोल दिया गया, शी इज सिक, वो बीमार है, ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप का कंजंक्शन है, दैट इज बिकॉज। समझ गए? सेकेंड है हमारा वेयर एज। वेयर एज, वेयर एज यानी हम जनरली कुछ वर्ड्स को जब कंपेयर करते हैं, कुछ नाउन्स को जब कंपेयर करते हैं, कुछ वर्ड्स को, कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं, तो हम ये यूज करते हैं वेयर एज। वेयर एंड एज, दिस बोथ आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ संयुक्त। व्हाट आर दिस? संयुक्त, वेयर एंड एज, दोनों को मिला के प्लस किया है तब ये वेयर एज बना है। अब whereas क्यों सेंटेंस में, किस टाइप के सेंटेंसेस में लगेंगे, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। राकेश लव्स टू प्ले, सॉरी, राकेश लव्स टू प्ले चेस। चेस खेलना राकेश को पसंद है। whereas ऋषभ डोंट, ऋषभ को पसंद नहीं है।
राकेश को पसंद है बट ऋषभ को ये चीज पसंद नहीं है. वेर एल्स, मतलब वी आर कंपेयरिंग हियर बोथ पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज राकेश, सेकेंड पर्सन इज ऋषभ. हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. मतलब क्या कि राकेश की पसंद के बारे में बात हो रही है, वो है चेस. उसको चेस खेलना अच्छा लगता है, पसंद करता है, प्यार करता है चेस से. लेकिन ऋषभ नहीं करता है. मतलब क्यों, ये क्यों, जब आएगा तब ये आएगा, क्योंकि समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, कोई रीजन हो गया. ठीक है, तो मतलब वेयर इज क्या एक्सप्ले कर रहा है, राकेश और ऋषभ का जो कंपेरिजन है वो कर रहा है वेयर इज. सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वॉट, कंजंक्शन. ठीक है, दूसरा हम लोग लिखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में बट. बट इज वेरी कॉमन वाला सेंटेंस, सॉरी वर्ड विच वी जनरली यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, बट आई लाइक टू ईट समोसा. यहाँ पे स्पेशली सबके बारे में बात हो रही है, तो समोसा इज लाइक ए इंडियन फूड जो हम जनरली बहुत पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं. ठीक है, तो समोसा के बारे में बात हो रही है, तो आई लाइक टू ईट समोसा. समोसा हमें पसंद है खाना, बट समोसा वाला इज नॉट प्रेजेंट इन द शॉप. समोसा वाला जो है वो प्रेजेंट नहीं है. मैंने यहाँ पे हिंदी वर्ड क्यों डाला है, जैसे मैं इसे इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने हिंदी वर्ड इसलिए डाला है जस्ट टू कनेक्ट एंड जस्ट टू हैव सम फन. ओके, सो बट क्या है, बट क्यों डाला गया है, मुझे समोसा खाना पसंद है पर क्या करे, समोसा वाला दुकान में ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड आती है दैट इज ओके, गॉट इट. हम इसके कुछ कंपेरिजन भी देखेंगे. अब मैं आपको ये जो लेक्चर होगा उसके बाद कुछ हमारे टाइप्स हो जाएंगे, फिर हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के कुछ कुछ वर्ड्स के हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, जैसे कि बिकॉज एंड वॉट. ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होता है बिकॉज एंड वॉट. आई नो आप सबको भी ये कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये इसका भी एक लेक्चर आने वाला है जहां पे हम इसके डिफ्रेंशिएशन के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला एग्जाम्पल. अभी टोटल 13 है, वी आर जस्ट अप टू 6. ठीक है, हम 6 तक कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लेंगे, सो दैट आपको बोरिंग से फील ना हो कि आप बहुत बोर हो रहे हो, वो फील ना है. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा बिसाइड्स. बिसाइड्स माने, बिसाइड्स मतलब अलावा, इसके अलावा. ठीक है, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस बिसाइड्स उर्दू. उर्दू के अलावा, बिसाइड इज अ वर्ड लाइक अलावा, मतलब इसके अलावा. जैसे उर्दू के अलावा भी ये इंसान जो है वो 5 लैंग्वेज बोल सकता है. 5 लैंग्वेज बोलना इट्स लाइक ए वेरी गुड मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल्स, लेकिन इसके बारे में नहीं जाएंगे, हम जो टॉपिक है उसके बारे में आएंगे. ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस बिसाइड उर्दू. ठीक है, मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें भी एक सेंटेंस अलग से है, एक वर्ड अलग से है. यह एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक हम जब बात कर रहे थे उसमें सेंटेंसेस का डिफरेंसेस था, अभी जो हमने वर्ड लिया है वो वर्ड्स का डिफरेंसेस है. यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा होगा कि कंजंक्शन में वर्ड भी शामिल है, सिर्फ सेंटेंसेस शामिल नहीं है. मतलब ये उर्दू को डिफरेंशिएट कर दिया, उसको अलग कर दिया, मतलब बिसाइड्स उर्दू, मतलब उर्दू के अलावा, यानी ये जो चीज है उर्दू. ठीक है, तो उर्दू जो वर्ड है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक वर्ड को पर्टिकुलरली हमने अलग कर दिया, जैसे कि एंड वर्ड भी सेम सिमिलर कंजंक्शन में आता है, एंड भी एक सिमिलर कंजंक्शन का पार्ट है, लेकिन एंड मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंड बहुत कॉमन है, एंड हम लोग हर चीज में बोलते हैं एंड करके आगे सेंटेंसेस को लंबा कर देता है. ठीक, तो एंड में भी हम क्या करते हैं, यू एंड मी, आप और मैं दो पर्टिकुलर वर्ड्स है, सेंटेंसेस नहीं है. ठीक है, तो आप और मैं जो है उसके बीच में हमने क्या लगाया, एंड लगाया. सिमिलरली बिसाइड इज ऑल्सो डजंट स्टेज इन द सेंटेंसेस बिकॉज इट इज अ प्रीपोजिशन, इज ए पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, इसलिए ये सेंटेंसेस में नहीं आएंगे, ये वर्ड्स में आएंगे. दैट दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जनरली हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द वर्ड्स, नॉट अ सेंटेंस. ओके, सो बिसाइड इज वन ऑफ देम, समझ गए ना आप लोग. नेक्स्ट इज अनलाइक. अनलाइक मीन्स वर्ड, लाइक का ऑपोजिट कर लो तो अनलाइक हो जाएगा.
लाइक का ऑपोजिट, ठीक है, लाइक का ऑपोजिट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अनलाइक। लाइक यानी सिमिलर, जिसको समानता, अनलाइक क्या हो गया, जिस विच इज नॉट सिमिलर, जो समान नहीं है, जो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो अनलाइक, अनलाइक का इसमें क्या यूज है, ठीक है, रोहन इज कंप्लीटली अनलाइक हर सिस्टर, रोहन जो है वो उसके सिस्टर से बहुत अलग है, अनलाइक यानी सिमिलर नहीं हुआ, वो हो गया अलग, ठीक है, ये ऑपोजिट हो गया। तो अनलाइक का मतलब आपको पता चल गया, रोहन इज कंप्लीटली अनलाइक हर सिस्टर, उसके सिस्टर से अलग है। इसमें भी सेम, हर सिस्टर, ये डिफरेंशिएट कर लिया, ये सेंटेंस नहीं है बट दिस इज ए पार्ट ऑफ वर्ड, दिस इज अ वर्ड, राइट, ये वर्ड है, एक सेंटेंस और एक वर्ड को अलग कर दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंजंक्शन। नेक्स्ट इज देयरफॉर, देयरफॉर हम लोग मैक्स में भी यूज करते हैं, याद होगा आपको, आप लोग पढ़ते हो, ये सिंबल है देयरफॉर का, ठीक है। तो मैक्स में और इंग्लिश में डिफरेंसेस नहीं है, मतलब सेम ही है, सिमिलर यूजेस करते हैं, देयरफॉर हम लोग क्यों करते हैं, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। सेम सिमिलरली यहां पर भी देयरफॉर का यूज कैसे, किस लिए होता है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अनदर सेंटेंस, ठीक है, अनदर सेंटेंस, अनदर वर्ड, ठीक है। अभी देखो, मोहन सैट फर्स्ट, मोहन जो है वो पहले बैठा, देयरफॉर यू डिड नॉट गेट, इसलिए आपको सीट नहीं मिली, मोहन पहले बैठा इसलिए आपको सीट नहीं मिली, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए सेंटेंस, दो सेंटेंस को मिला रहा है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, बट इट इज नॉट अ प्रीपोजिशन, आप देख रहे हो यहां पे ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंस है बोल के ये कंजंक्शन का एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया, ये प्रीपोजिशन का वर्ड नहीं आता इसमें, जैसे कि डिसाइड देख लो, अनलाइक देख लो, जनरली क्या है, अनलाइक नहीं सॉरी डिसाइड वाला जैसे वर्ड, कुछ प्रीपोजिशन जो होते हैं वो कंजंक्शन का रूप, मतलब उसका प्ले करते हैं, लेकिन वो जब कंजंक्शन का प्ले करते हैं वो जनरली वर्ड्स के साथ होता है, ना कि सेंटेंसेस का। आप देख लोगे, आप कोई एग्जाम्पल देख लोगे बुक वुक में तो भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर मोहन सैट फर्स्ट, देयरफॉर यू डिड नॉट गेट दिस सीट, आपको सीट नहीं मिली, सो दिस इज, दिस आर द बोथ सेंटेंसेस एंड इट हेल्प्स टू ज्वाइन देयरफॉर, ठीक है। तो ये हमारे टोटल सिक्स एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूं आपके साथ क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आपको पता चलेगा, आपके पास कोई वर्ड हुआ, आपके एग्जाम्स में पूछे गए कि अनलाइक का मतलब क्या है, या फिर एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन करके दिखा कि इसमें बट आएगा कि बिकॉज आएगा, या इसमें बिसाइड आएगा या अनलाइक आएगा, या बिसाइड या वेरेज आएगा, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, आपको पूरा मतलब पता चल जाएगा कि क्यों हम लोग ये सेंटेंस में ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए अब तो सेवेंथ से लेके 13 तक का सफर बाकी है, ये भी है, साथ में बहुत सारे टाइप्स भी है, इन दोनों वर्ड्स के भी डिफरेंशिएशन आएंगे, मतलब कंजंक्शन थोड़ा लंबा होने वाला है। तो तब तक के लिए टेक केयर।